अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान। इससे पहले हमने पार्ट में कुछ दिन पहले मैंने किया था ईरान की क्राइसिस पे बात की थी, उसका पार्ट वन पे हमने बात की थी। आज उसी डिस्कशन का पार्ट टू है और इसमें हम ईरान के अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात और ईरान की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। और ये दूसरा पार्ट है और इसके बाद फाइनल पार्ट जो है वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह या कुछ दिनों के अंदर मैं करूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर जंग होती है तो क्या सिनेरियो होगा, क्या सूरत हाल होगी। तो जैसे कि पिछली दफ़ा हमने जब डिस्कशन की थी तो हमने कहा था कि निगोसिएशन जो टॉक्स हैं वो वहाँ पे कामयाब होती हैं जहाँ पे दोनों साइडें जो हैं वो अपने अपने जो उनका मौक़िफ़ है उससे थोड़ा बहुत आगे या पीछे होने के लिए तैयार हों। लेकिन इन केस ऑफ ईरान एंड यूएस हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रंप जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, वो जो है 2-3 दफ़ा एक नए मुआहदे की बात कर चुका है, जबकि ईरान इस बात पे ज़िद्द है कि जो पुराना जो ईरानियन न्यूक्लियर डील थी उसी के मुताबिक मामलात आगे चलेंगे। तो ये एक बहुत अहम बात है जो हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों की ज़िद ही कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं ईरान के। पहले जो है हम ईरान की सबसे बड़ी जो रेस जो ईरान के अंदर रह रही है, जो तकरीबन 80% के करीब है, वो है पर्शियंस हैं। ये पर्शियंस जो हैं, यानी कि जो हैं, ये फारसी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और माइनॉरिटीज़ हैं जिसमें तुर्कमान आ जाते हैं, बलोच आ जाते हैं, जिसके अंदर कुर्द आ जाते हैं। इसी तरह खुजिस्तान के एरिया में हम देखते हैं तो अरब्स जो हैं वो भी रहते हैं, इसी तरह आज़री जो हैं वो भी रहते हैं। अब हम देखें कि ईरान के हमसायों से शुरू होते हैं। तो नॉर्थ में सबसे पहला हमसाया आप जानते हैं कि वो तुर्की है। तुर्की जो है उसके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ट्रेडिशनली भी आपको पता है कि RCD का हम बात करते हैं, ये एक शाहरा, बड़ी मशहूर ज़माना शाहरा है जो तुर्की, ईरान और पाकिस्तान को मिलाती थी। ईरान और तुर्की एक ज़माने के अंदर अमेरिकन ब्लॉक में भी रहे, इनकलाब ईरान से पहले, और अभी भी ईरान के तुर्की से बेहतर हालात हैं, जिसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हालांकि ईरान ने टोटल साथ दिया बशार अल असद का, लेकिन इडलिब के अंदर रशियंस और सीरियंस जो ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको ईरानियन नज़र नहीं आएंगे, और वो इसी वजह से आपको सामने नज़र नहीं आएंगे क्योंकि ईरानी जो हैं वो तुर्की को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे। जब आप तुर्की के साथ चलते हैं, अच्छा एक और इसमें बात कर दूं तुर्की की, तुर्की के अभी हालात जो हैं आपको पता है S-400 के ऊपर नेटो के साथ ख़राब हो गए, और नेटो के साथ तुर्की के ट्रेडिशनली भी इतने अच्छे हालात नहीं थे। 50s में जब तुर्की नेटो का हिस्सा बना तो उसको एक सौतेले की तरह ट्रीट किया गया, जिसकी मिसाल आपको 74 में जब कब्रस के ऊपर ऑपरेशन किया और तुर्क कब्रसी जो हैं उनके लिए तुर्की ने अपनी फ़ौज उतारी तो अमेरिका ने और नेटो ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। इसी तरीके से जब अमेरिका को ज़रूरत हुई, अमेरिका ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तकरीबन तुर्की के साथ भी रखी, और 2003 में पता है आपको कि टर्क्स नहीं चाहते थे कि इराक के ऊपर हमला हो। उसकी वजह ये थी कि जो कॉपरेशन है तुर्की अमेरिका की, इसराइल आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से इसराइल और जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहे थे कुर्दों को सदाम रजीम के खिलाफ। तो जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि तुर्की पे हमला करना है तो टर्क्स की सबसे बड़ी रेवलेशन जो एक उनको एक तहफ़ था वो यही था कि कुर्दों को ताकत हासिल होगी सदाम के जाने के बाद और वो आगे मसला बनेंगे। 2003 में एक मौका वो भी आया कि नॉर्थ इराक के अंदर अमेरिकन ने हुड पनहा के टर्किश स्पेशल फोर्सेस के फौजियों को गिरफ्तार किया, जिसकी बाद जो है उनके गिंटानमो और टेररिस्टों की तरह उनके फौजियों के को हुड्स बनाए गए और हथकड़ियाँ लगाई गई, जो बाद में निगोशिएशंस के बुश रजीम ने मामला ठीक किया, लेकिन बहुत बड़ा उसके बाद डैमेज हो चुका था और तुर्की जो है वो ट्रस्ट नहीं करता। और ख़ास तौर पर अगर कोई मामला होता है तो हमें ये रूल आउट करना पड़ेगा कि तुर्की अपनी एरोस्पेस या अपनी जो स्ट्रेटेजिक बेस है वो अमेरिका को या नेटो को देगा ताकि ईरान के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर सके। तुर्की के साथ ही आ जाता है आर्मीनिया। आर्मीनिया जो है वो काफ़ी अरसे, यानी कि हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो ईरान का हिस्सा ही था, और ये आपको सुन के हैरत होगी कि 1826 से 1828 तक ईरान की जंग हुई चली थी रशिया के साथ,
जिसके नतीजे में आज़रबाईजान जो है वो रशिया का हिस्सा बना। ट्रेडिशनली पिछले कई हज़ार सालों से ये टर्की का हिस्सा ही माना जाता है। आर्मीनिया के साथ, आर्मीनिया जो नेशनल्स हैं वो बहुत अच्छी खासी एथनिक तादाद जो है वो ईरान के अंदर भी बसती है, और ईरान के आर्मीनिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और अगर किसी इन केस ऑफ वॉर, एक और मैं बात बता दूं, आर्मीनिया और ईरान जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, डिक्लेयर्ड इन्होंने किया हुआ है कि हम एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आर्मीनिया के साथ आ जाता है आपका मुल्क, हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क जो आज टर्की की वजह से हमारे बहुत करीब है, आज़रबाईजान। आज़रबाईजान भी एक ज़माने के अंदर जो है ईरान का हिस्सा ही था, लेकिन जैसे मैंने बताया रशियन ईरानियन वॉर जो 1826 से 1828 के दरमियान हुई, एक और ईरान को जो नुकसान हुआ था वो यही हुआ था कि जो आज़रबाईजान है ये भी ईरान से अलग होकर रशिया का हिस्सा बन गया। अच्छा, एक और बात ये है कि दुनिया के अंदर आज़रबाईजान ईरान के बाद दूसरा अहले तशी का मुल्क है, शिया मुल्क है, और इनके जो है जब 91 में रूस टूटा और ये अलग हुए तो ईरान जो है उसने सपोर्ट किया आर्मीनिया का मौकफ निकोरो कालाबाग के एरिए में, जिसकी वजह से कोई अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान नहीं रहे। लेकिन 2014-15 के अंदर, 2013-14 के अंदर जो है मामला ठीक हुए, और अब आज़रबाईजान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आज़रबाईजान की एम्बेसी है तहरान के अंदर और एक कौंसलेट है तब्रेज के अंदर। तो इनको केस ऑफ हॉस्टिलिटीज़ जिस तरह के हालात है, आज़रबाईजान जो है वो टर्की के बहुत करीब है, और जब टर्की नहीं होगा तो जाहिर बात है कि आज़रबाईजान भी अवॉइड करेगा किसी किस्म की भी अपनी टेरिटरी को अगेंस्ट करने के लिए कि वो ईरान के ख़िलाफ़ यूज़ हो। अच्छा, अब आज़रबाईजान के साथ एक और हमारा ब्रादर मुल्क है तुर्कमानिस्तान। तुर्कमान कौम जो है एथनिक माइनॉरिटी जो है वो ईरान में भी बसती है, ट्रेडिशनली भी और ट्रेड वाइज भी तुर्कमानिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि वो अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया आ जाता है, उसका स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाता है, तो इस वजह से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी किसी किस्म का रोल प्ले करेगा। फिर अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान में आपको पता है जो दो बड़ी ज़बानें बोली जाती हैं, पश्तो और दरी। दरी जो है ये बेसिकली ये डायलैक्ट जो है पर्शियन से ही निकला है, पर्शियंस के करीब है, और जब अफगान जहाद के ज़माने में जो ईरानियंस थे उन्होंने काफ़ी अफगानों को पनाह भी दी, और अभी भी कई काफ़ी अफगान जो हैं वो ईरान के अंदर बस रहे हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि अफगानिस्तान भी किसी किस्म की कार्रवाई में मददगार नहीं होगा और वो अपने आप को दूर रखना चाहेगा। फिर आ जाता है आपका मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता है 65-71 के अंदर ईरान ने आउट ऑफ द वे हमारी मदद की, हमारे जहाज़ वहाँ पे खड़े हो गए। इसी तरह जब इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का आगाज़ हुआ 70s के अंदर बलूचिस्तान के अंदर, तो ईरानियन फोर्सेस ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ईरान दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को रिकमेंड किया यूएनओ में, और पहला वोट जो हमें दिया गया, पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया गया, यूएनओ का मेम्बर बनाया गया, तो वो ईरानियंस की ही वजह से था। और हमारे ईरान के साथ जो है जहाँ पे दीनी ताल्लुकात तो हैं वहाँ पे ज्योग्राफिकल भी हमारे ताल्लुकात हैं, और बहुत अच्छे ताल्लुकात ट्रेडिशनली रहे हैं। कुछ सर्द मैरी आई थी जिसकी वजह जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशन और उसके साथ अफगान जात, कुछ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऐसी थी कि हम अमेरिकन कैंप में थे, और उसके बाद जब इनकलाब ईरान आया तो वो एंटी अमेरिकन था। लेकिन एज अ होल अगर देखा जाए तो जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत है। अब हम आ जाते हैं ईरान का एक और हमसाया, वो है आपका इराक। इराक के अंदर जो है सदाम और ईरानियंस, आपको पता है कि 80s के अंदर इनकी जंग हुई और काफ़ी नुकसान हुआ, और लेकिन 2003 के अंदर अमेरिकन इन्वेजन के बाद अमरीकियों ने काफ़ी मदद की, अमरीकियों की काफ़ी मदद की ईरानियंस ने, और मेहंदी मलेशिया और बाकी इनकी जो मलेशियाज़ जो हैं इस वक्त जो हैं वो ईरानियंस ने सदाम और बाकी जो रेजिस्टेंस थी उसको काफ़ी किया। और अभी भी अगर आप ट्रेड वाइज देखें कि इराक का सबसे बड़े जो सप्लाई आती है बिजली की वो ईरान से आ रही है, इसी तरह ईरान के ऊपर इराक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और जो इराकी गवर्नमेंट है और उसके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बाकी जो है GCC ममालिक के अंदर। अच्छा, एक ख्याल ये है कि GCC ममालिक जो हैं वो यूनानिमस हैं एंटी ईरान की, ये बात गलत है।
अगर आप जीसीसी ممالک کو دیکھیں تو کویت اس وقت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ نیگوسیشنز کے ذریعے ڈپلومیسی کے ذریعے ایرانین کرائسس جو ہیں ہوں کیونکہ کویتی اس کو احسان مانتے ہیں کہ جب صدام نے قبضہ کیا تھا کویت کے اوپر تو ایران ان طاقتوں میں سے تھا جنہوں نے ساتھ دیا تھا کویت کا اس کے بعد آپ آ جائیں یو اے ای یو اے ای جو ہے وہ بالکل ایران کے خلاف ایکشن چاہتا ہے وہ اس گروپ میں سے ہے جو ایران کے ساتھ ہوسٹیلٹی چاہتے ہیں اسی طریقے سے سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ایران کو ڈسارم کیا جائے اور رجیم جو ہے نا اس سے کیا جائے اور تیسرا آپ کا آ جاتا ہے بحرین بحرین کی بھی یہی پالیسی ہے وہ سعودی عرب ایران اور سعودی عرب یو اے ای اور بحرین جو ہے وہ ایک ہی گروپ میں قطر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک اوپن اتحادی ہے ایران کا اور حالانکہ اس میں مزے کی بات یہ کہ سینٹ کام کا جو فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے جو امریکن سینٹ کام کا وہ قطر میں ہی ہے قطر کا اس میں ڈبل مفاد آ جاتا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو کیونکہ ایک تو ایران اتحادی ہے لیکن اگر جنگ ہوتی ہے کیونکہ امریکن ایسٹس جو ہیں سینٹ کام ادھر ہے تو ایران کی طرف سے جو ریٹیلیشن آئے گی اس میں اس کے اتحادی جو قطر ہے اس کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا پھر اس کے بعد آپ چلیں نیچے تو عمان عمان آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے کئی دفعہ پیغامات ایرانین جو ایڈمنسٹریشن تک جو پہنچائے ہیں وہ عمان کے تھرو پہنچائے ہیں اور ٹریڈیشنلی بھی عمان کے ایران کے ساتھ جو ہے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں شاہ کے زمانے میں بھی جو بغاوت ہوئی تھی عمان کے حکمران خاندان کے خلاف تو ایرانین فورسز جو تھیں انہوں نے مدد کی تھی وہ ادھر اتری تھیں اور انہوں نے وہ اس بغاوت کو 70s کے اندر دبایا تھا اب جی سی سی کے اندر یمن جو ہے یمن خود خانہ جنگی کا اس وقت شکار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تین بڑے ممالک جو ہیں وہ جنگ چاہتے ہیں اور تین ممالک جو ہیں وہ ڈپلومیسی چاہتے ہیں اور وہ صلح صفائی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ نپٹانا چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد سیریا آپ کو پتہ خود خانہ جنگی کا شکار ہے اس کا کوئی ایسا افیکٹ نہیں ہوگا عراق کے اوپر میں دوبارہ آؤں گا کیونکہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا کہ کردش کا کیا ہے اب کردش جو ہے وہ ایک پرابلم تو ہے اب ایران کی ولنربلٹیز کے اوپر آتا ہوں اسی میں آپ کے اس بات کا جواب آئے گا کہ سن 2000 سے یہ رپورٹس ہیں کہ ایران کے خلاف اسرائیلی موساد اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سپانسر کر رہی ہیں ایک انسرجنسیز جو ہیں ان کو پیسہ دے رہی ہیں ٹریننگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں جس کے اندر سب سے بڑی انسرجنسی بلوچستان اور سیستان جو ہمارے ساتھ ایران کا بلوچستان کا حصہ بنتا ہے وہاں پہ اس کے بعد جو ہے خوزستان جو ہے یہ اس میں عرب میجورٹی ہے یہ عراق کے ساتھ ہے اور پھر ایرانین آذربائیجان اور کردستان ایران کے کردز کے ساتھ ان ایزی ریلیشن شپ رہے ہیں لیکن المونیٹر کی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت اوسلو کے اندر ناروے کے اندر ان کی بات چیت چل رہی ہے تاکہ ان کیس آف ہاسٹیلیٹیز جو ایرانی کرد ہیں وہ کم از کم جو ہے نیوٹرل رہے ہیں اچھا کردوں کا بھی میں آپ کو بتا دوں کرد بھی دو طرح کے ہیں ایک کرد جو ہیں وائی پی ڈی ٹائپ کے ہیں پی کے ٹائپ کے ہیں جن کے پیچھے امریکنز ہیں اور ایک کرد وہ ہیں جس طرح عراق کے اندر جو کردش ایریاز کے اندر گورنمنٹ ہے جو کہ اپنے ممالک کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا وہ حقوق چاہ رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو بالکل آزادی چاہتے ہیں جیسے وائی پی یہ آپ کے آگے سیریا کے اندر جنہیں امریکہ کر رہا ہے اور پی کے کے وغیرہ جو ہیں تو اب اندر کیا چل رہا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ انسرجنسیز چل رہی ہیں ایک تو بلوچستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کوشش کر رہے تھے اسی طرح خوزستان وغیرہ جو ہے آپ کو پتہ یہ ریسنٹلی جو اپریل کے اندر سیلاب آئے تھے اور 70-80 لوگ ایران کے جو سیلاب کی نظر ہو گئے تھے تو اس کے اندر امریکہ کے اوپر ایک الزام لگایا تھا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کہ ایڈ نہیں جانے تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکن نے ریڈ کراس اور باقی اداروں کو وہاں پہ جا کے ریلیف ایفرٹس کی اس لیے اجازت نہیں دی کہ تاکہ وہاں پہ ایک ویسے ایک ایلیمنٹ ہے جو ایتھنیکلی چاہتا ہے کہ یعنی کہ اسٹیٹ سے ناراض ہے تو جب ایڈ نہیں جائے گی تو لوگ بہت زیادہ اس سے ناراض ہوں گے اور امریکہ کو بہت زیادہ اس کی مدد ملے گی اسی طریقے سے ایران کی اس وقت اکانومی جو ہے وہ بھی ولنریبل ہے ہر چیز کے اوپر ایکسپورٹس کے اوپر روکا ہوا ہے کمائیں تو کہاں سے کمائیں تیل بیچتے تھے اب وہ تیل کے اوپر بھی پابندی سخت لگا دی ہے سوائے چائنا اور ایک دو اس طرح کے اور ممالک ہیں جو تھوڑا سا جگرا دکھا کے جو ہے وہ پٹرول اور وہ تیل خرید رہے ہیں باقی سمگل ہو رہا ہے اور سمگلنگ کے اندر جو ہے رشیا جو ہے وہ بہت ایکسپلوئٹ کر رہا ہے جہاں پہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیریا کے اندر بھی رشیا نے اسرائیلی پالیسی کے اوپر چلتے ہوئے ایرانینز کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ وڈرا کرے اسی طریقے سے انتہائی سستے داموں وہ ایران سے جو ہے تیل خرید رہا ہے اور جو ایک المیہ ہے
تو اس کے بعد والی ویڈیو انشاءاللہ کل پرسوں تک میں اپلوڈ کروں گا، جس میں ہم بات کریں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، ملٹری کیپیبلٹیز کیا ہیں اور ایران کے پاس اور امریکہ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں جن کو وہ بروئے کار لا سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں جو آپ چاہیں کہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اسے ان کے جواب دیں، تو کائنڈلی وہ بہت ضرور نیچے کمنٹ میں لکھیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.